अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे को दुख होता है, हमारे समस्याएं होती हैं, तो कहते हैं संसार में तो क्या कहते हैं कि दूसरे को दुख बांटो तो दुख कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। दूसरे को यदि आप दुख बताने चलेंगे तो दुख और रायता फैल जाएगा, है ना। क्योंकि आपके अंदर के जो मन में विचार चल रहे हैं, जो दुख है, जो बेचैनी है, जो उलझन चल रही है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता ना। उसको दूर कैसे करेगा कोई? वो तो यही कहेगा दूसरा इंसान कि अच्छा चलो छोड़ो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, कुछ नहीं ऐसा होगा, तुम ऐसा मत सोचो, है ना। यदि मन में अपने खूब निगेटिविटी और बेचैनी चल रही है तो दूसरा थोड़ी ना उसको ठीक कर पाएगा, है ना। तो दूसरा क्या कहेगा, जब ज़्यादा हम उदास दुखी होंगे तो कहेगा चलो अच्छा ये खा लो वो खा लो, है ना। बस इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन हम ही अपने को ठीक कर सकते हैं। तो अपने को ठीक करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। इसलिए फिर कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम जब ठीक ठाक हैं तब से ही हम अपने आप पर ये अभ्यास करते रहें, रोज़ प्रैक्टिस करते रहें, और अपनी मन बुद्धि को परमात्मा से, ईश्वर से जोड़े रखें, और उससे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करते रहें योग और ज्ञान के द्वारा। तो हमारा मन जो है वो उसी से ही सुलझेगा, उसी परमात्मा से ही, ईश्वर से ही समझेगा। और फिर क्या होता है, जब हमारा जो दुख है, हमारी जो समस्या है, जो बेचैनी है, जो उलझन है, जब हम परमात्मा से बुद्धि जोड़ लेते ना, तो फिर वो सब उसका हो जाता है। क्योंकि वो हमारा परम पिता है ना, और पिता के होते बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो सकती है। मन की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं, जब हम उनकी और बुद्धि जोड़ते हैं, मन बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, झुक जाते हैं उसके सामने, और अपने को जब समर्पित कर देते फिर उस हमारा दुख उसका दुख हो जाता है, फिर वो हमें संभालता है। तो परमात्मा के सामने शरणागत हो जाना ना, दूसरा कोई हमारी समस्या नहीं हल कर सकता। दूसरे को अगर हम कुछ अपनी समस्या बताएंगे तो वो इधर जाएगा उधर जाएगा, सबको बताएगा। और दूसरा कहता है ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है, आप बता देंगे तो क्या होगा, उसको बड़ा सुकून मिलेगा, अपन को लगेगा कि चलो हमारा दुख हल्का हो गया। लेकिन हल्का नहीं होता, बल्कि उसको अब एक नया मसाला मिल गया, वो दूसरी जगह जा जाके बताएगा, तो इससे हमारा दुख और बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर हर कोई हमसे पूछेगा क्या बात है क्या बात है। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, और अपने दुख और अपनी समस्याओं को, उलझनों को खुद ही ठीक कर लें।